नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों के लिए फिर से एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ। तो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 पिछले साल लॉन्च हुआ था आईक्यू Z6 लाइट पे, सबसे पहली बार इस्तेमाल हुआ था। वो फोन मैं करेंटली इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा स्टेबल प्रोसेसर है। तो अभी कहा जाए कि उसका नेक्स्ट जनरेशन CPU आएगा जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 और इसका फुल A to Z स्पेसिफिकेशन मेरे पास आ चुका है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेटोल चैनल पे नए हैं और ऐसे CPU रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटोल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो नीचे बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा देना जिससे कि ऐसी वीडियो रेगुलरली आपको मिल सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो नया वाला प्रोसेसर आने वाला है इसका ऑफिशियल नेम होगा स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 जिसका मॉडल नंबर है ASM4450। ये जो प्रोसेसर 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बना होगा लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर मैन्युफैक्चरर वो होगा सैमसंग की तरफ से, मतलब इस बार हमें TSMC की तरफ से फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप सोच रहे कि जो लास्ट बार का जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 उसका नैनोमीटर नंबर क्या था, तो वो था 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर। इस बार का ये जो CPU वो हमें मिलेगा 2+6 कोर स्ट्रक्चर में। इसमें हमें 2 हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स 78 कोर जिसका स्पीड होगा 2.2 गीगाहर्ट्ज़ और उसके साथ 6 पावर एफिशिएंट सीरीज का कोर्टेक्स 55 कोर होगा जिसका स्पीड है 1.95 गीगाहर्ट्ज़। तो मतलब कह सकते हैं कि लास्ट बार के मुकाबले स्पीड के मामले में स्लाइटली इंप्रूवमेंट है, क्योंकि जैसे कि आप इसके ब्रैकेट में देख सकते हैं लास्ट बार में आपको मिल रहा था 2.0 गीगाहर्ट्ज़ और 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट अगर हम इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें, इसमें आपको एक मेजर इंप्रूवमेंट मिलेगा। लास्ट बार आपको मिला था LPDDR4 इसका रैम, इस बार आपको मिलेगा डुअल चैनल LPDDR5 तक का रैम का सपोर्ट जिसका स्पीड होगा 3200 मेगाहर्ट्ज़ और इसका मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ है 25.6 GBPS। लेकिन लास्ट बार आपको वही पुराने जमाने का LPDDR4 इसका रैम आपको मिला था। अगर इसके स्टोरेज सपोर्ट के बारे में बात करें, इस बार आपको मिलेगा eMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 3.1 तक का ऑप्शन, लेकिन लास्ट बार आपको मिला था UFS 2.2 तक का ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको मैक्सिमम फुल HD+ तक का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा जिसका रिफ्रेश रेट होगा 120Hz और इसमें हमें मैक्सिमम फुल HD क्वालिटी में वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे इसके ISP मतलब कैमरा क्वालिटी के मामले में। लास्ट बार के जैसे इस बार भी आपको ट्रिपल बिट वाला ISP मिलेगा। इसके सिंगल कैमरा में 108 मेगापिक्सल, डुअल कैमरा में 25 और 16 मेगापिक्सल और ट्रिपल कैमरा में 16 मेगापिक्सल तक का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन सैडली वीडियोग्राफी के मामले में इस बार भी हमें 4K या फिर 2K क्वालिटी में कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, बस हमें मैक्सिमम फुल HD 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद हम इसके नेटवर्क सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको सब 6 GHz 5G और MMI 5G दोनों टाइप का जो 5G नेटवर्क उसका ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा Wi-Fi 6, डुअल बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.2 और नेविक सपोर्ट सभी का ऑप्शन हमें मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो एकदम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिल चुका है, इसमें आपको मिलेगा एड्रीनो 613 वाला ग्राफिक्स कार्ड जो कि रन करेगा 966 मेगा स्पीड पे। अभी अगर आप सोच रहे कि लास्ट बार कौन सा था, तो लास्ट बार आपको मिल रहा था एड्रीनो 619 वाला ग्राफिक्स कार्ड जो कि रन कर रहा है 650 मेगा स्पीड पे। तो अभी एक चीज देख सकते कि अगर हम एड्रीनो मतलब इस ग्राफिक्स कार्ड के जनरेशन के बारे में बात करें, इसमें तो आपको ऑन पेपर एक पुराने जनरेशन का ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है लेकिन इसका जो ग्राफिक्स कार्ड का फ्रीक्वेंसी वो लास्ट बार के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो अभी तो CPU लॉन्च होने के बाद ही देखना पड़ेगा कि लास्ट बार के मुकाबले इसका ग्राफिक्स में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। और फाइनली अगर हम इसके बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करें, तो इसके सभी से भी स्पेसिफिकेशन को देखिए एजिस लग रहा है इसका अनटूट स्कोर हो सकता है 450,000 के आसपास। और अगर हम इसके गीक बेंच स्कोर के बारे में बात करें, तो इसका सिंगल कोर में स्कोर होगा 700 के आसपास और मल्टी कोर में स्कोर होगा 2200 के आसपास। तो यही था स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 के बारे में सारा इंफॉर्मेशन। तो देखिए वीडियो के आकर मैं मेरा ओपिनियन देता हूं, तो ऑन पेपर इसका स्पेसिफिकेशन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। दो चीज में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। पहला प्रॉब्लम, अगर इसमें 2K या फिर 4K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता। और जो दूसरा चीज, अगर सैमसंग के फैब्रिकेशन के बजाय TSMC का लेकिन 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर मिलता, मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा बेटर रहता, क्योंकि सभी को पता है कि सैमसंग का जो CPU आर्किटेक्चर वो बैटरी एफिशिएंसी तो बहुत ज्यादा देता है लेकिन उसका जो हीट मैनेजमेंट बहुत ही बेकार है। तो इसीलिए हो सकता है कि इसमें आपको 4 नैनोमीटर मतलब एकदम फ्लैगशिप ग्रेड का CPU आर्किटेक्चर मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो CPU हमें मिलेगा सैमसंग की तरफ से, तो इसलिए इसमें हीटिंग
कूलिंग का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। और अगर हम इसके साथ कोई नया फोन के बारे में बात करें तो देखिए, मेरे पास ऐसा एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि आइको का कोई नया फोन लॉन्च होने वाला है जो कि इंडिया पे आएगा 10 से 15 हज़ार के अंदर, और जो कि आइको Z7 सीरीज के अंदर आएगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू लीक्स वो जो स्मार्टफोन आइको Z7 लाइट होता है जैसा लास्ट बार हुआ था आइको Z6 लाइट में स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1, तो प्रोबेबली Z7 लाइट में इस बार हमें स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 मिल सकता है, वो भी दुनिया के दूसरे देश से पहले। तो भी आप मुझे कम से जरूर बताने कि ये जो प्रोसेसर आपको कैसा लगा, और अगर कोई फोन फॉर एग्जांपल 13 या 1400 रुपए के साथ इस प्रोसेसर के साथ अगर लॉन्च होता है तो क्या आप इस फोन को लेना चाहेंगे? या पे सेम प्राइस पॉइंट में आपको जो मिलेगा Dimensity 900 या पे Snapdragon 695, ऐसे फोन का चूज करना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।